नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में शिक्षा का कितना महत्व है ये तो कभी न कभी आपने सोचा होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जिन टीचर्स पर, जिन शिक्षकों पर, जिन अध्यापकों पर ये जिम्मेदारी होती है, उनकी जिंदगी कैसी होती। दोस्तों, हमारे समाज में शिक्षकों का स्थान जो है वो भगवान से कम नहीं माना गया है। लेकिन क्या हम उसे सिर्फ शब्दों में ही मानते हैं या फिर कुछ उसकी वास्तविकता भी है, या हम उसे कुछ रियलिटी में भी मानते हैं, या सिर्फ कहने के लिए शिक्षक भगवान है? आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम जानने वाले हैं। मैंने इस वीडियो का टाइटल सबसे सस्ता मजदूर क्यों लिखा है, आज आपकी आंखें उस सच्चाई सुनकर खुल जाएंगी। दोस्तों, आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होंगे और आपके आसपास ही हो सकता है कि आपके घर में एक दो लोग ऐसे स्कूल में पढ़ाने जाते हो जो प्राइवेट हो। दोस्तों, प्राइवेट स्कूल के मालिक और वहां के कर्मचारी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा ये वीडियो का मकसद किसी की पर्सनल भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इसमें और सिर्फ इसमें प्राइवेट टीचर के हक और उनकी परिस्थिति के बारे में बात करने वाले हैं। हो सकता है कि आप उससे जुड़े हुए हों, हो सकता है कि आपको यह सच्चाई अभी तक ना पता हो, या हो सकता है आपको सच्चाई पता हो लेकिन आप उससे अनजान हो। दोस्तों, इस महंगाई भरे जमाने में जहां पर आप अगर घर बनवाएंगे तो घर बनवाने के टाइम जो मजदूर लगता है वो भी 500 रुपए की दिहाड़ी लेता है, 500 रुपए की दिहाड़ी लेता है, और जो राजमिस्त्री लगता है वो 700 रुपए की दिहाड़ी लेता है। इस हिसाब से उनका जो महीना होता है वो 21,000 और 15,000 रुपए का बनता है जाके, और बीच में एक से डेढ़ घंटे का लंच भी वो लेते हैं, और अगर लंच नहीं देते हैं तो आपको खाना बनाकर उन्हें खिलाना पड़ेगा। क्या प्राइवेट टीचर के साथ में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर परिस्थिति बहुत बिकट है। सबसे सस्ता मजदूर मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि एक प्राइवेट टीचर जो है वो मिनिमम वेजेस से भी कम पर काम करता है, सरकार द्वारा जो तय है उससे भी कम कहीं कहीं मजदूरी होती है, इसीलिए मैंने सबसे सस्ता मजदूर बोला है। देखो, ना तो सम्मान मिलता है और ना ही बराबर पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी प्राइवेट टीचर काम करता है। देश के भविष्य को बनाने में प्राइवेट टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, अगर गूगल की माने तो लगभग 3.5 लाख से ऊपर प्राइवेट स्कूल इस समय मान्यता प्राप्त भारत में संचालित हैं। दोस्तों, ये वो स्कूल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, जिनका डेटा पता है। ऐसे बहुत सारे स्कूल भी हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, कोई डेटा नहीं है, वो स्कूल भी संचालित हैं। और एवरेज अगर मान लो तो हर स्कूल में 10 टीचर हैं, तो सोच लीजिए कि कितने स्कूल जो हैं प्राइवेट टीचर्स चला रहे हैं, कितने नौनिहाल उसमें पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन क्या हम उन टीचर्स को वो वैल्यू दे पा रहे हैं? क्या हम उन टीचर्स को वो लाइफ दे पा रहे हैं जिस लाइफ के वो हकदार हैं? आपने एक मीम जरूर देखी होगी, वो मीम ये है, मैंने देखा, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एक प्राइवेट स्कूल का टीचर, उसका घर और उस स्कूल की बिल्डिंग दिखाई गई है, एक सरकारी स्कूल का टीचर, स्कूल की बिल्डिंग और उसका घर दिखाया गया है। उसमें जो अंतर है वो वास्तविकता वाला है, वास्तव में वो अंतर है, रियलिटी में वो अंतर है। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, कोई अच्छा स्कूल है जो इस समय अच्छी पेमेंट दे रहा है 10,000, 15,000, लेकिन बदले में हाड़ तोड़ मेहनत भी ले रहा है। भैया, सुबह जाओ, छुट्टी तक काम करो, उसके बाद रुको एक से डेढ़ घंटा, तब कहीं जाकर आपको वो चीजें नसीब होती हैं। प्राइवेट टीचर की जो स्थिति है वो क्यों खराब है ये तो भाई मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट टीचर जो कर रहा है वो वास्तव में सम्मान पाने लायक है और सही वेजेस पाने लायक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अकाउंट को फॉलो करना, और अगर YouTube पे देख रहे हो भाई तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट टीचर का उतना ही योगदान है जितना सरकारी स्कूलों के टीचर्स का, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ज्यादा ही योगदान है। लेकिन क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? ये सच्चाई है, अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा। अगर आपके घर में कोई प्राइवेट टीचिंग करता है तो उससे पूछिएगा कि वो घर कैसे चलाता है, उससे पूछिएगा कि वो हर बाजार को सब्जी कैसे लाता है। इस महंगाई में जहां पर 500 रुपए का नोट लेके सब्जी लेने जाओ तो भाई साहब कुछ नहीं बचता, झोला आधा खाली रहता है। ऐसे में 1,000, 2,000, 3,000 की तनख्वाह पर पूरे महीने काम करना, फिर उसके बाद घर चलाना एक प्राइवेट टीचर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। स्कूल जाना, स्कूल के बाद 5-5 घंटे कोचिंग पढ़ाना, तब कहीं जाकर एक प्राइवेट टीचर का घर चलता है। सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है और हमको स्वीकार करनी पड़ेगी क्योंकि हम इसको नकार नहीं सकते। आपके आसपास ही होंगे, देख लेना, कमेंट करना इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि अगर आपके पास कोई टीचर है प्राइवेट तो उसको कितनी सैलरी मिलती है। वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है और प्राइवेट टीचर का सम्मान और सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि वो भी भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अंग है और एक महत्वपूर्ण पार्ट निभा रहा है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक और अकाउंट को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।